दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी धमाकेदार एपिसोड देखने को मिलने वाला है, जहां पर सीरत अब साबित कर देगी कि वो बेगुनाह है और असली कातिल आखिर कौन है। तो आने वाले एपिसोड में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर गोयनका फैमिली तीज का त्योहार मना रही होती है। कार्तिक, सीरत ये सभी लोग साथ में फोटो लेते हैं, जिसे देखकर दादी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि इन दोनों का रिश्ता तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन इतनी अड़चनों के आने के बाद भी दोनों एक हो ही गए ना। उसके बाद में मीडिया आ जाती है और बहस शुरू हो जाती है, और यहाँ पर मनीष गोयनका और चाचू चाची दोनों तीनों ही कह देते हैं कि हम इस घर को छोड़कर चले जाते हैं, हम नहीं रह सकते इतनी बदनामी के साथ। तो सीरत बेचारी काफी परेशान हो जाती है और कार्तिक भी काफी बहस करता है। कार्तिक सीरत अपने कमरे में पहुंचते हैं और मीडिया के सामने कोई नहीं आ रहा होता, और यहाँ पर मीडिया को चुप करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो चुप होने को तैयार ही नहीं होते हैं और सीरत पर काफी इल्जाम लगाते हैं। और सीरत परेशान होकर पहले तो अपने रूम में जाती है और फिर वापस आकर ऐसा जवाब मीडिया को देती है जिसके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर नरेंद्र नाथ चौहान को भी दिखाया जाता है, जो कि न्यूज चैनल पर न्यूज देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगी तू मिली तो वहीं पर मिली, जहाँ अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो काम मुझे करना था वो मीडिया कर देगी। और यहीं पर सीरत जवाब देती है कि जो इल्जाम आप गोयनका फैमिली पर लगा रहे हैं ना कि रणबीर को मारा गया, ये वो और कौन सी राज में छुपा रही हूँ, तो वो सारी बेगुनाह साबित कर दूंगी मैं एक वीक के अंदर, और मैं खुद अगर बेगुनाह साबित नहीं कर पाई और इन पर लगा हुआ झूठा इल्जाम नहीं मिटा पाई तो मैं खुद जाकर जज से अपने लिए सजा मांगूंगी, और एक वीक का अब टाइम मांगा है, जिसे सुनकर नरेंद्र नाथ चौहान के भी होश उड़ जाते हैं। तो वहीं पर अब सीरत की मदद कोई और नहीं, यहाँ पर करने वाली है रणवीर की बहन। जी हाँ दोस्तों, रणवीर की बहन ही अब सीरत की मदद करने वाले हैं ताकि वो उसकी बेगुनाही के सबूत उसे दे सके। तो यहाँ पर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है अपने पापा के अगेंस्ट जाकर। अब यहाँ पर रणवीर की बहन ही सीरत की मदद करेगी और उसे लाकर सबूत देगी उसकी बेगुनाही का। तो वहीं पर अब काफी कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, और जल्दी ही सीरत ये साबित कर देगी कि गोयनका फैमिली और उसका कोई कसूर नहीं है और उसे फंसाने की साजिश रची गई थी। तो जल्दी ही अब एक वीक के अंदर काफी कुछ जासूसी देखने को मिलने वाली है। और आज मीडिया के सामने सीरत ने अपना अवतार दिखाई दिया गुस्से वाला, जिसे देखकर कार्तिक भी काफी खुश हो जाता है, और अभी उसे भी खुशी है कि वो जल्दी ही ये सारा सच साबित करके दिखाएगा। तो वहीं वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये झूठी शादी का भी हम ड्रामा जल्दी खत्म कर देंगे ये सब कुछ बेगुनाही के बाद। तो यहाँ पर ये सब कुछ कायरो सुन लेता है, लेकिन अब कायरो भी इसके लिए बड़ा फैसला करेगा।